अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में कहा गया कि भाई कि ये डाटा दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये तो मैंने अपनी ओर से बना रखा है। करंट और वोल्टेज का डाटा दे रखा है किसके लिए, मैंगनीन। मैंगनीन वायर बाउंड रेसिस्टर में यूज होती है, वायरिंग होती है घर में, वहां पे हम लोग मैंगनीन कॉन्स्टेंटन मटेरियल का जो है वायर्स यूज करते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उन इन वायर्स की जो रेसिस्टेंस है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, दैट मींस दे आर टेम्परेचर इनसेंसिटिव। क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाती है, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे ऐसा। घर में हम लोग होम अप्लायंसेस में जो करंट यूज कर रहे हैं या घर में जो भी हम लोग अप्लायंसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि उसे कांस्टेंट करंट पास करें, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जो कि घर में जो वायरिंग यूज करी जाती है वो ऐसे वायर से बनाई जाए जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू जो हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट रहे नियरली। तो ये हम लोग अचीव कर लेते हैं यदि मेटेरियल कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन यूज करा जाए तो, राइट। तो वही वाली बात यहाँ पे, तो मैंगनीन का के ऊपर ये जो करंट और वोल्टेज का जो ये दे रखा है डाटा, इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन। देखिए सबसे पहले देखिए करंट और वोल्टेज पूरे डाटा में दे रखा है, तो यूजिंग द ओम्स लॉ आप रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। जब यूजिंग द ओम्स लॉ रेसिस्टेंस निकालेंगे तो जैसे देखिए 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2 तो 19.7 ओम आएगा। तो इसी तरीके से सब में करेंगे तो देखिए नियरली रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, 19.7 ओम, 19.675 ओम, 19.66 ओम, 19.625 ओम, 19.7, ऐसे करके आप देख सकते हैं। दूसरा ये भी कीजिए कि करंट और वोल्टेज का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो आएगा वो आपका मान के चले मतलब एज्यूम टू भी मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला ग्राफ आएगा। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो ओमिक सब्सटेंस है या हम लोग कहें कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात वोल्टेज रेजिस्टेंस देखेंगे नियरली कॉन्स्टेंट आएगा, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज करेगी वायर की, क्योंकि जैसे जैसे करंट आप इंक्रीज कराएंगे तो रेजिस्टेंस वायर की चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है। दैट मींस मैंगनीन एक टेम्परेचर इनसेंसिटिव मटेरियल है, इसलिए इसको वायर बॉन्ड रेजिस्टर में यूज करा जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस फॉलोइंग डाटा, राइट। तो ये वाली बात हो गई, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।